So hello and welcome back guys to another FC Mobile video. So guys, 95 rated exchange is back और let's open the exchange section और 95 rated exchange फिर से आ चुके हैं. So let's open this exchange, first exchange और देखते क्या मिलता है. So let's go. अरे भाई साहब, मैंने बहुत यूट्यूबर को देखा है भाई, सिर्फ के सिर्फ हीरोज पे की तो हीरो ही मिल रहे खाली इसमें से. भाई साहब 95 rated भी निकाले. सो लेट्स गो. सो इसकी वैल्यू सिर्फ 20 मिलियन कॉइन्स की है. सो लेट्स गो. अभी देखते कौन से कार्ड है यार. सबसे पहले तो यार यहाँ पर मॉड्रिच, सला एंड CR7. अगर हम लोग CR7 पैक करते तो बहुत अच्छी बात है. सो लेट्स गो, लेट्स ऐड द प्लेयर्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. देखते क्या मिलता है इस बार एंड लेट्स गो. सेकेंड 95 रेड एक्सचेंज एंड इट्स अ राइवल्स कार्ड. लेट्स गो. भाई साहब Yes, 295 rated. Cristiano Ronaldo is here. भाई साहब मजे आ गए. Let's go. 67 million coins. भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है. सबसे पहले तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते. So let's go. We have packed CR7. अभी सिर्फ इसमें कम से कम आपके कितने 30 million coins लगेंगे. So let's go. Straight 60 million coins का फायदा हो चुका है. So let's go. एंड लेट्स होप फॉर द अनदर CR7 कार्ड. अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है. इट्स आइकन. भाई साहब 95 रेडेड पियरो हेनरी. भाई साहब माय गॉड व्हाट द हेल. और इसकी भी कॉस्ट बहुत ही लो हो चुकी है, 46 मिलियन कॉइन सिर्फ. यार इसकी प्राइस बढ़ सकती है आगे जाके. तो वी पैक द डी नटाले CR7 एंड थियरो हेनरी. डी नटाले में एक थोड़ा सा नुकसान हुआ क्योंकि उसमें 30 मिलियन कॉइन्स हमने लगाए थे और इसका बेस प्राइस है 21 मिलियन कॉइन्स. तो इसमें कम से कम 9 मिलियन का लॉस हुआ है. सेकंड पैक वी गॉट CR7 और उसमें स्ट्रेट 30 मिलियंस का फायदा है. और इन द थर्ड पैक वी गॉट थियरो हेनरी और इसमें कम से कम 16 मिलियन का फायदा हुआ है. सो लेट्स गो. आप लोग को भी एक्सचेंज जरूर से करना चाहिए अगर आपके पास बजट है. लेट्स गो. अभी हम लोग देखते हैं कि ये एक्सचेंज कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं. सो लेट्स गो गाइस. वी हैव एवरी सिंगल कार्ड फॉर दिस एक्सचेंज. 89-97 रेटेड एक्सचेंज, टू प्लेयर्स. सो लेट्स गो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन दिस एक्सचेंजेस. और ये अनट्रेडेबल पैक है तो इसमें से मिक्स वर्जन है, कुछ भी मिल सकता है. एंड इट्स सॉरी टीम ऑफ द ईयर सेंटर बैक बास्टोनी. ओके कौन सा वर्जन है. 90 रेटेड बास्टोनी. So let's go. It's a small dub and Kai Havertz 90 rated cam card. So let's go. Quick add another time और देखते हैं कि इस बार हम लोग किसको पैक करते हैं. So let's go. 89-97 rated mixed version pack into two cards and this time also it's a normal walkout. Japan central mid Endo. Let's go. It's Endo base card I think. No, 91 rated Endo card. कुछ है नहीं भाई, पीछे भी कुछ नहीं है. So let's go. ये थोड़ा सा ट्रैश पैक था. सो लेट्स गो. अभी हम लोग चलते 87-97 रेटेड पैक ओपन करने और इसमें देखते क्या मिल सकता है हमें. लेट्स गो, लेट्स ओपन दिस 87-97 रेटेड पैक. और इसमें से तीन कार्ड मिलेंगे और इसमें से चांसेस थोड़े से हाई है कुछ अच्छा. एंड इट्स अ नॉर्मल वॉकआउट. ये कौन सा फ्लैग है. सेंटर बैक और भाई क्लब भी नहीं पता. ओ जू चेंग जी. भाई साहब ये क्या 87 रेटेड सेंटर बैक भाई. और मोराता और डी लॉरेंजो को भी पैक किया है. सो लेट्स गो. और दो कार्ड मिल चुके और दो बार पैक ओपन करने के लिए. सो लेट्स गो, लेट्स ऐड क्विक ऐड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट अनदर 87-97 रेटेड पैक एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट. इट्स अ टीम ऑफ द ईयर. ओके इट्स क्वारदोना. लेट्स सी व्हाट वर्जन इज दिस एंड इट्स अ 92 रेटेड क्वारदोना. और इसका नाम प्रोनाउंस कैसे करना भाई. अगर मैं गलत कर रहा हूँ प्रोनाउंस तो मुझे कमेंट्स में बता दो. तो लेट्स गो 92 रेटेड क्वारदोना एंड बेंजेमा एंड महारेस. सो इट्स अ नाइस पैक. इट्स अ स्मॉल डब. आई थिंक इट्स अ स्मॉल डब. सो लेट्स गो, लेट्स ट्राई अवर लक अनदर टाइम एंड लेट्स गो. इट्स अ लास्ट पैक. लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट इन दिस 87-97 रेटेड पैक मिक्स्ड वर्जन एंड इट्स अ नॉर्मल वॉकआउट. What flag is this? Center mid and it's 87 rated Banin Gime. भाई साहब क्या क्या नाम है भाई.
ओके 92 रेटेड मैंडी मिला है और 88 रेटेड जाका। और भाई साहब अगर आपका नया अकाउंट खुला है तो ये पैक जरूर जरूर से ओपन करना। तो आई थिंक कि हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं है पैक ओपन करने के लिए। और आई थिंक कि यहाँ पर टीम ऑफ द वीक के प्लेयर जो थे वो एक्सचेंज थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। 85 रेटेड एक चाहिए और 80 वाले 3 प्लेयर चाहिए। सो लेट्स गो, लेट्स ट्राई अवर लक इन दिस टीम ऑफ द वीक प्लेयर एक्सचेंज। और सबके सब अनट्रेडेबल प्लेयर्स हो, इसमें से कोई भी ट्रेडेबल प्लेयर नहीं है अभी। एंड इट्स अ नॉर्मल वर्कआउट। जर्मनी सेंटर बैक एंड इट्स इंटर। ओ बिस बाइसेक 87 बाइसेक। भाई साहब कुछ फायदा नहीं है इसका क्योंकि ये ट्रेडेबल कार्ड नहीं है, इसको बेच नहीं सकते। तो लेट्स गो, लेट्स ओपन अनदर टाइम दिस टीम ऑफ द वीक प्लेयर एक्सचेंज। लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट इन दिस एक्सचेंज। जर्मनी भाई साहब वही भाई साहब, इट्स अ डुप्लीकेट 87 बाइसेक। लेट्स गो, अभी सबके सब खत्म हो गए 85 रेटेड कार्ड। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इट्स अ लास्ट पैक आई थिंक ऑफ द वीडियो। लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट। भाई साहब क्या बोलूं, एल एल पैक्स एल पैक्स। और हमारे पास है 95 रेटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके स्टैट्स बता दूं, 90 पेस, 95 शूटिंग, 78 पासिंग, 86 ड्रिबलिंग एंड 80 फिजिकल। सो लेट्स गो भाई साहब, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने CR7 पैक किया। इतने भी यूट्यूबर्स को मैंने देखा, सबके सबको हीरोज कार्ड मिल रहे थे, पर मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मुझे एक CR7 कार्ड और थियरा हेनरी कार्ड मिला। सो अपना लग बहुत ही अच्छा साथ दे रहा है। सो इसकी सप्लाई बहुत सारी है और डिमांड थोड़ी भी नहीं है। सो आई थिंक इसके प्राइस और भी बढ़ेंगे थोड़ा टाइम जाने के बाद। सो आई विल नॉट सेल दिस कार्ड एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव पैक सेकंड पैक। एंड वी हैव पैक दिस थियरी हेनरी कार्ड। ही हैज रियली गुड पेस, 100 पेस एंड वेरी गुड शूटिंग, 88 पासिंग, 91 ड्रिबलिंग। फिजिकल थोड़ा सा लो है पर कोई नहीं, प्राइम आइकन है। 4 स्टार वीक फुट, 4 स्टार स्किल मूव, 4.5 स्टार स्टेमिना एंड लेट्स सी हिज ट्रेड्स, ट्राइज टू बीट आउटसाइड रैप। और ये बहुत ही अच्छा रेट रेट है ये, और फिनिश शॉट, फ्लैट रेट, स्पीड ड्रिबलर, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है। सो लेट्स सी हिज ट्रांसफर। और इसके हाईएस्ट प्राइस 100 मिलियन से और सबसे लो प्राइस 48 मिलियन से। सो आई थिंक इसके भी प्राइस बढ़ेंगे थोड़ा, ये जैसे कि 2-3 दिन जाएंगे वैसे इस सब कार्ड के प्राइस अप होते जाएंगे। सो आई थिंक आई हैव टू वेट फॉर द प्राइस गोइंग टू अप। और बाद में हम लोग सेल करेंगे इसकी। सो आई थिंक इसकी कम से कम 50 या 60 मिलियन तक इसकी ट्रांसफर हो सकती है, द लास्ट कार्ड वी हैव पैक। सो इसकी प्राइस अभी बहुत ही सस्ती है। आई थिंक आप लोग को ये कार्ड, अगर आपके पास बजट है तो आप लोग को ये कार्ड एक कल या तो परसों में ये कार्ड परचेस कर देना। इसके प्राइस और भी कम होगी, आई थिंक इसकी प्राइस कम से कम 17-18 मिलियन तक आराम से जाएगी इसकी प्राइस। सो यू हैव टू परचेज दिस कार्ड इन प्राइस। और जैसे ही 95 रेटेड एक्सचेंज कंप्लीट हो गए वैसे इसके प्राइस आई थिंक 30 मिलियन तक जाएंगे। सो आपका कम से कम डबल फायदा हो जाएगा। सो यू हैव टू बाई दिस डी नटाली प्लेयर। और कैपडेविला कार्ड भी परचेस कर सकते हैं। वेट अ सेकेंड, मैं कैपडेविला कार्ड देख लेता हूँ। सो दिस इज द कैपडेविला कार्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। और इसकी भी प्राइस 23 मिलियन को है, ये भी बहुत ही कम है। और इसकी भी प्राइस और कम होगी शायद से जितने भी लेफ्ट बैक है अभी गेम में, सबसे सेकंड नंबर पे आता है कैपडेविला। सो आई थिंक यू हैव टू परचेस दिस फॉर द इन्वेस्टमेंट। 23 मिलियन कॉइन्स है। सो जैसे ही 20 मिलियन तक इसकी प्राइस ड्रॉप हो तो आप लोगों को परचेस कर लेना, एक या दो से तीन कार्ड परचेस कर लेना। और डी स्ट्राइकर कार्ड का तो मैं नहीं बोलूंगा, ये कार्ड जरूर से परचेस कर रहे हो। अभी सप्लाई बहुत सारी है इसकी और डिमांड भी इसकी अभी देखो अभी कितनी डिमांड है। सो यू हैव टू परचेस दिस कार्ड इन एनी गिवन टाइम। ये अपनी एडवाइस रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हमने 3 95 रेटेड एक्सचेंज कंप्लीट किए, उसमें से तीनों में फायदा ही है एक तरह से। सो लेट्स गो, बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाके बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।